इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर एयरपोर्ट रोड उदयपुर। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय पत्र का डिजिटलाइजेशन के बाद संभावना और चुनौतियाँ रखा गया। राजस्थान में पहली बार खेल पत्रकारिता पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता स्पोर्ट्स स्टार के डिप्टी एडिटर राकेश राव, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कमेंटेटर मिलिंद वागले, प्रशांत सेनगर, जी न्यूज चैनल हेड मनोज माथुर, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के HOD कुंजन आचार्य थे। संगोष्ठी को 6 सेशन में बांटा गया। मुख्य वक्ता प्रशांत सेगर ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है और हमें आपको हर बार इससे तालमेल बिठाना होता है। हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां लाता है। पहले दिन के 2 सेशन में मुख्य वक्ता कुंजन आचार्य, चेयरपर्सन GS वीरती और विभा माथुर थे। नारायणी देवी वर्मा फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक नेशनल कंसोर्टियम किया है 2 दिन के लिए, जिसमें देश के प्रमुख जर्नलिस्ट इसमें अपना लेक्चर देंगे। और इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि स्पोर्ट्स एंड जर्नलिज्म का क्या रिलेशन है, जर्नलिज्म कैसे स्पोर्ट्स को इम्पैक्ट करती है और कैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को इम्पैक्ट करती है पुराने समय में भी और अपने भी। तो अपने अनुभव सारे हमारे जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे शेयर करेंगे। 2 दिन का ये हमारे कंसोर्टियम है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे बाहर के भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और कल राकेश राव जी हैं डिप्टी एडिटर स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन, और जो वर्चुअल है उसमें मिस्टर मिलिंद वागले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं DD स्पोर्ट्स के, मिस्टर प्रशांत सेंगल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं DD स्पोर्ट्स के, मनोज माथुर डिजिटल चैनल हेड हैं जी न्यूज इंडिया के, कुंजन आचार्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से आए हैं, डॉक्टर अतुल तुबे स्पोर्ट्स कॉलमिनिस्ट हैं भास्कर से, भास्कर पत्रिका NWT के वो आए हैं। देखिए समय के हिसाब से परिवर्तन जो भी हो रहा है वो सिर्फ करिकुलम के अलावा भी बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज उन्हीं का ही थोड़ा सा एक सेशन रखा गया है ताकि एक नए दायरे में एक नए विचारधारा के साथ में वो अपने फिजिकल एजुकेशन की जो पढ़ाई है उसको ले जा सकें। मेरे लिए तो एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर है यहाँ पे आना, क्योंकि मेरा कभी यहाँ पे आना हुआ नहीं। मैंने राजस्थान के बहुत सारे शहर देखे हैं, बहुत जगह मैंने टूर्नामेंट्स कवर भी किए, लेकिन ये मेरा भिलवाड़ा आना पहली बार हुआ, और वो भी एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़ने का मौका मिला है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, प्री इंडिपेंडेंस डे से कर रही है 1944 से। तो इसका एक अपना एक इतिहास है, और जो काम हो रहा है वो तो खैर अच्छा हो भी रहा है। मेरा जो अनुभव रहा यहाँ पे वो कुछ ऐसा रहा कि मैं सोच रहा था कि बच्चे इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, खेल पत्रकारिता की, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन है उसको लेके जो चेंजेस हैं या जो उनकी जो चुनौतियाँ वो लेके सामने आ रही हैं उस पर क्या होगा। अभी हमने ये शुरुआत की है, ऐसे 6 ऐसे सेशंस होंगे, पहला सेशन अभी ख़त्म हुआ। और इसमें देखिए एक चीज़ है कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक फोरम है जहाँ पर वो काफ़ी सवाल पूछ सकते हैं, काफ़ी उनको नई जानकारी मिल सकती है जो किसी गूगल किसी विकिपीडिया में नहीं मिलेगी। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि इन बच्चों के जितने भी सवाल हों और यहाँ पे जितने भी हम लोग स्पीकर्स आए हुए हैं सब बच्चों के लिए आए हैं। सर पहले के दौर में DD1 पर स्पोर्ट्स पर आपकी एंकरिंग होती थी, और आज के दौर के स्पोर्ट्स एंकरिंग में कितना फ़र्क आया है? ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जब मैं देखता था DD स्पोर्ट्स या कोई भी खेल का जो एक प्रोग्राम होता था
हफ्ते का एक प्रोग्राम होता था खेल खिलाड़ी, और उसमें भी खेल समाचार बहुत ही कम होते थे, और क्योंकि पूरा ट्रांसमिशन का टाइम भी इतना कम होता था, शाम को 6:30 बजे शुरू होता था, 10 बजे बंद हो जाता था। तो उन दिनों से अभी आप देखें 24 आवर के चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, पहले तो एक ही होता था नेशनल ब्रॉडकास्टर, अब आप देखें कि 400 चैनल हैं आपके पास, और ये 400 चैनल वो हैं जो कि आपके, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश और जो रीजनल, इसमें ये सिर्फ इन दो लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, रीजनल लैंग्वेज ले लेंगे तो बताइए कितने हैं हमारे पास। देखिए फ़र्क बहुत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भी हुई हैं जिनसे हमें सावधान रहना है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये एक दोधारी तलवार है, वो दोनों तरफ से काट सकती है। सोशल मीडिया जैसे हम एक ले लें कि यू नो लाइक ट्विटर है, जैसे 140 कैरेक्टर में आपको एक खबर मिलती है, एक हेडलाइन मिलता है, दो लाइनें मिलती हैं। ये जो नया दर्शक जो है वो सोचता है उसको पूरी खबर मिल गई, उसको जो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है वो नहीं है, इतिहास, कोई चीज़ हुई है वो उसे पता है, कोई चीज़ क्यों हुई है वो नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के भी अपने एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी चीज़ सोशल मीडिया का ये भी है कि सबके पास ये हक है कि वो सोशल मीडिया कुछ भी कहें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उस चीज़ को देख नहीं रहा है। ये सब चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, पूरी दुनिया सोच रही है इसके बारे में कि ये क्या है कि आपके पास एक फ़ोन है, एक अकाउंट है, आप कुछ भी बोल देंगे आप, और कोई जिम्मेवारी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा जिम्मेवार लोगों को होना होगा, ये सिर्फ मेरे और आपके सोचने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप जिम्मेवार हैं, आप कहेंगे हाँ, मुझसे पूछेंगे मैं भी कहूँगा हैं, लेकिन हम ही में से कोई है जो गैर जिम्मेदार है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उनको कड़े शब्दों में पूछना पड़ेगा और इससे बच नहीं सकते। एक तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, इस बात से मैं डिनाई करूँगा, और दूसरी बात यह है कि बच्चों को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, और सब्जेक्ट चूँकि आधुनिक युग का है, डिजिटल युग का है, तो बच्चे बहुत अवेयर हैं और ये इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि उनको सिर्फ गाइड करने की आवश्यकता है, और अगर सब लोग इसी तरीके से काम करें, खासतौर से जो ये आश्रम है, जो ये इंस्टीट्यूट है, ये बड़ा काम कर रहा है। आना मुझे अच्छा लगा, बच्चों को बात बताना अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने जो समझा है आगे वो उसका पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होता ही, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बीता कल हो वो आज जैसा, ये तो होता है, तालमेल उससे बैठाना होता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, तो आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आज के कल को संवारना बहुत आवश्यक है, ये तो तयशुदा बात है। आधुनिक हम होते जाएंगे और आधुनिक युग के साथ तालमेल बैठाना आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है और जवाबदारी भी है। इस टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा क्रेज है, उस क्रेज को कैसा देखते हैं? सोशल मीडिया कोई बुरी बात नहीं है, आप घर पे बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में बैठे अपने बच्चों से बात कर लेते हैं, अपने जानकारों से मिल लेते हैं, अपनी बात वहाँ तक सेकेंडों में पहुँचा देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सोशल मीडिया की, तो इसका क्रेज़ होना चाहिए। इसमें थोड़ी दुश्वारियाँ भी हैं, मुश्किलें भी हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज रखें, बाकी इनकी अच्छाइयों को आत्मसात करें, अच्छाइयाँ बहुत हैं ज़माने में, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करें, बाकियों को छोड़ दें। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की सोच पाली जाती है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास में गलत निर्णय या गलत बातें नहीं कहनी चाहिए, ये चैलेंज भी है, ये जवाबदारी भी है। जो इंसान है, जो आपका दर्शक है, वो अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, अगर आप उसको गलत दिशा में चीज़ें ले जाकर बताएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्य होने। एक मंच, एक प्लेटफॉर्म जो नेशनल लेवल का है, तमाम ऑडियंस को एक साथ सामने लाता है, वहाँ पर गलत चीज़ का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। जितनी जिज्ञासाएँ होंगी उतने अवसर वो हासिल करेगा, उतना ज्ञान वो हासिल करेगा। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी पावर हुआ करती है, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज़्यादा बड़ी पावर हुआ करती है। ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इसका समाधान होगा, उतना भविष्य निकलेगा। प्रश्न तो जवाब के लिए बने होते हैं, तो प्रश्न बढ़ते जाए, जवाब उससे दुगने बढ़ेंगे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन।